दोस्तों आज हमारे पास है इलेक्ट्रा। इसके अंदर ब्रेक में चू चू करके ब्रेक लेने पे आवाज़ करता है और सुबह के टाइम पे ज़्यादा साउंड करता है और कुछ किलोमीटर चला दें तो बंद हो जाता है, पर डाउन में अगर ज़्यादा लंबा चलाएं तो फिर आवाज़ करने लगता है। तो ऐसी प्रॉब्लम में कैसे इसका सलूशन है और क्या तरीका है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए जो इसमें प्ले होती है, यहाँ आपको देख सकते हैं, तो इतना प्ले होनी चाहिए जो ये पैंडल है ये इससे ऊपर नहीं, हमेशा डाउन में ही रहना चाहिए। अगर ये ऊपर रहेगा तो ब्रेक दबके रहते हैं हमारे और पैर इसके ऊपर रहेगा तो गर्म पड़ जाते हैं और जल्दी तभी एक परेशानी हो सकती है। पर अभी हम इसका पिछला टायर खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो टायर खोलने के लिए हमें 24 नंबर का गुटका डामी का यूज़ करेंगे और अगर आपके पास टूल होंगे तो आप इसको बिल्कुल आराम से खोल सकते हैं। और खोलने के लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी आसानी से खुल जाते हैं। लोग कहते हैं कि बुलेट का टायर खोलना टफ होता है, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि जिसके लिए जो समझ गया उसके लिए काम आसान बन जाता है। ठीक है, अब ये टायर को बाहर निकाल देंगे। और देखिए अभी मैं सिंगल, जो अगर आप घर पर अकेले करना चाहेंगे तो इस तरीके से हल्का सा टेढ़ा करके टायर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दोबारा नज़दीक में। इसके बाद आता है दूसरा, ये 18 नंबर का बोल्ट होता है, इसको खोल दें और जब ये खोल देंगे, वैसे तो इजी खुल जाता है। तो ये आराम से खोल, अब आता है दूसरा ब्रेक के बोल्ट खोलने हैं। तो ये पीछे 13 नंबर का दिखेगा आपको, जो ब्रेक रॉड होती है इसमें नट चढ़ा होता है, इसे आप आराम से खोल दें और ये हाथ से खुल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं, ये खुल जाएगा और इसके बाद रोड को बाहर निकाल दें। अभी खोलना हमें ये वाला नट, इसके लिए चाबी लें, चाबी से खोल दें। तो इस नट को 30 नंबर का ढीला करने के बाद ये नट है और आराम से इसको चिड़िया निकाल दें, ये चिड़िया बोलते हैं इसको। और ये है पिछला ड्रम, इसको बोलते हैं ड्रम। ये है वाशर, ये है ड्रम प्लेट और ये हमारे अंदर का स्पॉकेट ड्रम। यस, और जो प्रॉब्लम आती है ब्रेक की वो आती है यहाँ से। अब आप यहाँ देख सकते हैं नए ब्रेक शू डाल रखे हैं, हाल ही में डाले थे इसमें कुछ समय पहले, पर ब्रेक जो है लाइनर बोलते हैं। मैं पहले आपको बता दूँ, कुछ लोग इसको लाइनर बोलते हैं और कुछ लोग इसको ब्रेक शू बोलते हैं। तो हम सिंपल ब्रेक शू की ब्रेक शू जानते हैं और इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए आधे तिरछे घूम रहे हैं। देखिए इस टाइप से कुछ तिरछे हैं जो तिरछे ब्रेक लग रहे हैं और सेम पोजीशन यहाँ पे है, देखिए ये तिरछे ही घिस रहे हैं। अगर ब्रेक तिरछे घिसेंगे तो सेम है कि सिंपल सी बात है कि ब्रेक में साउंड पैदा हो जाएगी अगर वो अच्छे से पूरी तरह काम नहीं करेंगे। देखिए आपको दिखेगा ये हिस्सा काम कर रहा है, बस इतना, सॉरी आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ इतना हिस्सा काम कर रहा है और ये भी आधा हिस्सा काम कर रहा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाता है चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रेक केम होती है और ये कट रखी है, आपको यहाँ पे बिल्कुल साफ क्लीन निशान दिखेगा। और दूसरा इधर साइड होती है, देखिए ये यहाँ पर जो वाइट निशान दिख रहा है ना, ये कट गया है। ब्रेक केम जब कट जाती है तब ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ब्रेक मतलब बहुत ज़्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की वजह से ब्रेक टेढ़े दिखने हो जाते हैं। टेढ़े होंगे तो ब्रेक अच्छे से मतलब ग्रिप नहीं करेंगे, पकड़ नहीं करेंगे, टायर लॉक नहीं होता अच्छे से, मतलब ब्रेक काम ही नहीं करेंगे। तो हम इसको बाहर निकाल देते हैं
और नई गेम किस तरह होती है जरा दिखाते हैं। तो अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, बाहर बहुत ही इजी आसानी से निकल जाता है। इसके ग्रिप में थोड़ा सा चोट मारे, ये ब्रेक केम और इसके स्प्रिंग, और ये रही ब्रेक केम, देखिए, और ये ब्रेक केम कट चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं स्पॉट आ चुके हैं, दोनों साइड से कट चुकी है। मैं एक बार ज़रा जूम करके कोशिश करता हूँ, यहाँ देखेंगे आप कट चुकी है ये केम। तो यहाँ पे हमारे पास नई ब्रेक केम है, ये 152 रुपये के आसपास है, और ये रही नई ब्रेक केम। और जब नई ब्रेक केम डालें तो आप इसका नट भी नया लगाएं, ये वाला सेफ्टी के फीचर से। यह है सेफ्टी का नज़रिया, जो नट जरूरी है, क्योंकि आप पुराने नट इसके देखेंगे चूड़ियाँ घिस चुकी हैं बिल्कुल, और इसमें ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो नया डाल दो, 10-15 रुपए की बात है। तो इसके लिए लगाते हैं, फिट करते हैं और देखिए आप। तो अभी सारा काम हो चुका है, बस मैं आपको ये समझाने के चक्कर में हूँ कि जब आप टायर फिट करें तो यहाँ पर जो चिड़िया होती हैं, डॉट बोलते हैं, चिड़िया बोलते हैं, ये हमेशा दोनों साइड में एक्यूरेट होना चाहिए। अगर एक्यूरेट नहीं रहेगा तो टायर टेढ़ा रहता है, या बैरिंग ख़राब हो जाएंगे, या टायर चटने लगता है। तो यही सबसे सिंपल मेथड है, अगर आपको ब्रेक से आवाज़ आती है तो मेक श्योर आप ऐसे चेक कराइए और आपकी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ए दूरियां तेरियां कैसियां, बेजुबान
पंछी दे जैसिया तू रहे नजरा दे सारे तेना नजरा मिलावे वे सचो सच।